हेलो गाइस, आई एम विवेक फ्रॉम शांति विद्यापीठ। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो अपलोड कैसे की जाती है और उसका साइज़ कैसे सेट किया जाता है, जिससे कि आप इजीली कोई भी ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, थम्स वगैरह आप आसानी से अपलोड कर सकें। इसमें आपको दोनों तरीक़ों से बताया जाएगा, फ़ोन के माध्यम से भी और कंप्यूटर के माध्यम से भी, जिससे आप इजीली कोई भी फोटोग्राफ ऑनलाइन फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम फ़ोन के थ्रू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें कैमरा ओपन करना है और जो भी आपके पास फ़ोटो है वो आपको क्लिक्स करनी है। तो जैसे कि मैं आपको अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये हमने आपके पास क्लिक कर ली। इसके बाद आपको गैलरीज़ में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपके पास ये फ़ोटो ओपन हो जाएगी। अब आपको इसकी डिटेल्स चेक करनी है। डिटेल चेक करने के लिए आप इसका, जब आप इसका साइज़ देखोगे तो इसका साइज़ है 2 MB के लगभग। तो अब आपको इसका क्या करना है, अब आपको इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेना है, जो आप नॉर्मली सभी फ़ोन में अवेलेबल होता है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब जैसे ही अब आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपके पास इसका साइज़ लगभग लगभग 244 KB के आसपास आ चुका है। अब आपको नॉर्मली इस फ़ोटो को क्रॉप करना है। तो आपकी ये फ़ोटो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि किसी ऑनलाइन फॉर्म में इसे कैसे अटैच करते हैं और हमारी ये फ़ाइल कितने KB की है। तो सबसे पहले हम इसका साइज़ देखेंगे कि ये कितने KB की है। तो ये लगभग लगभग आपके पास 11 KB की फ़ाइल बन तैयार हो चुकी है। अब आपको ये फ़ाइल किसी ऑनलाइन फॉर्म में अटैच करनी है। तो जैसे कि मैं आपको नाइलेट के एक साइट पर दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आपके सामने एक CCC का फॉर्म मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे ही किसी भी साइट के अकॉर्डिंग किसी भी ऑनलाइन फॉर्म जैसे आप ओपन करोगे, आपके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि फॉर्म अपलोडिंग, फ़ोटोग्राफ अपलोडिंग या डॉक्यूमेंट अपलोडिंग या कुछ भी है। तो आप उसका साइज़ नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है JPG फाइल, JPG इमेज विद साइज़ अप टू 50 KB। तो आपका जो साइज़ है फ़ोटोग्राफ का वो 50 KB से लगभग कम होना चाहिए। तो मेरे पास जो था वो 11 KB का था। इसके अकॉर्डिंग मैं, अब देखो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। आपने फाइल, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, फाइल ऑप्शन पे। अब आपको यहाँ से आपको गैलरीज़ में जाना है और जहाँ आपकी फ़ोटो पड़ी होगी वो आपको यहाँ से अटैच करनी है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये फ़ोटो अटैच हो चुकी है। बस ये तरीका है, आप नॉर्मली किसी भी फॉर्म में अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, थम्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप ऐसे साइज़ में कम करके उसे अपलोड, इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आप सिस्टम से आप किसी फ़ोटो का साइज़ कम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमको फ़ोटो स्कैन करनी है। तो मैं प्रिंटर के ऑप्शन पर जा रहा हूँ। आपको प्रिंटर पर अपनी फ़ोटोग्राफ रखनी है या जो भी आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है वो आप रखोगे। उसके बाद आपको न्यू स्कैन पे क्लिक करना है। आपका न्यू स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ सेटिंग्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होती हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे स्कैन, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपको स्कैन करना है। तो जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है, अब आपको इसके
फाइल इमेजेस पे जाना है जहाँ से आपको फ़ोटो आपको लेनी है। तो आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स पे गए, आपके पास यहाँ सबसे लास्ट में आपकी फ़ोटोग्राफ आ जाएगी। जैसे कि आपके पास ये फ़ोटो आ चुकी है, अब आप इसका फ़ोटो का साइज़ देख सकते हो। सबसे पहले ये राइट हैंड साइड पे आपको इसका साइज़ दिया गया है 161 KB, तो आपको ये 50 KB से कम करना है। तो वो कैसे होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको फ़ोटोग्राफ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विथ पे जाना है। ओपन विथ के जाने के बाद आप ये काम पेंट से भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको फ़ोटोज से आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ आपके एक दो सॉफ्टवेयर और भी आ जाते हैं जिससे आप इजीली इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, आपके पास आपकी पिक्चर्स ओपन हो जाएगी। पिक्चर्स ओपन होने के बाद आपके पास इसमें आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। आपको सिर्फ सिंपली आपको यहां से फ़ोटो क्रॉप करनी है जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ थी। तो आपकी पास ये फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है। आप अपनी फ़ोटोग्राफ यहां से एंगल से जाके आप स्ट्रेट भी कर सकते हो अगर आपकी फ़ोटोग्राफ। तो जैसे कि आपकी फ़ोटो बन चुकी है, आपको सिर्फ यहाँ पे जाके सेव करनी है। आपसे ये सेव का ऑप्शन पूछ रहा है, मैं डेस्कटॉप पे डाल रहा हूँ इस फ़ोटो को। फाइल नेम दे रहा हूँ विवेक। ये मैंने आपकी फ़ोटो सेव। आइए अब हम इस फोटो का साइज़ देखते हैं। आपको क्लिक करना है इंफॉर्मेशन, फाइल इंफॉर्मेशन पे। तो आपके पास यहाँ पे फाइल इंफॉर्मेशन आ गई है और आपको उसका साइज़ बता रहा है 43.3 KB। तो ये आपके 50 KB से नीचे आ चुका है। अब आप इस फोटो को कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आपको किसी भी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।